तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लास के यूट्यूब चैनल में। आज है 25 मई, आरआरबी जेई की 3 शिफ्ट का पेपर ओवर हो चुका है। कितने क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, पेपर का लेवल क्या, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, पूरी वीडियो को जरूर देखेगा। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई देगा, वहां से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक करिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हम लोग जितने भी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए वो सब सफल हो और आपके वीडियो पर लाइक जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो रविंद्रनाथ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें तीनों ही सिर्फ क्वेश्चन मिले हैं तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको तीनों सिर्फ क्वेश्चन पता चल जाए कि यार लेवल कैसा आ रहा है, मैथ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे और सारी चीजें आपको कंप्लीट पता चल सके। एक क्वेश्चन देखिए आपसे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कंप्लीट वो मुझे पता नहीं चला क्योंकि बच्चे लगातार व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज रहे हैं, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन आपको भेजा जा रहा है तो ये बच्चे ने खाली कहा कि सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पूछा गया, जो भी होगा आप यहां पर देख लीजिए सर सही आंसर क्या होने वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से कहता है कि अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, जो हमारी आई है, जो मानव आई ह्यूमन आई है उसमें कौन सा लेंस लगा होता, तो कॉन्वेक्स होगा यानी कि उत्तल लेंस लगा होता। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था डेंटिस्ट वाला जो होता है उससे भी एक क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया था, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है तो वहां से आपको क्वेश्चन उसको कंप्लीट याद कर लेना। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल के वहां से काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे कि जो आपका थर्ड स्टेप में क्वेश्चन आया था और सेकंड स्टेप में ये क्वेश्चन आया था कि वी इक्वल टू आई आर यानी कि जो ओम्स का लॉ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए थे। इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन और महत्वपूर्ण भी है। लिटमस पेपर के बारे में क्वेश्चन आया था, आज साथ पूछा गया था कोई बेसिक सोल्यूशन डाला जाएगा तो कलर कैसे चेंज होगा, तो मैंने आपको इसको याद करने का एक तरीका बताया हुआ। अगर भैया देखो, अगर ये लिटमस पेपर है, लोग कहते हैं कि लिटमस पेपर अगर आप एसिड डालोगे तो ये ब्लू से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर लिटमस पेपर पे आप लोग एसिड डालोगे तो ये ब्लू से रेड हो जाएगा। कैसे याद रखोगे, अगर मान लो लिटमस पेपर रहा होता, यहाँ पे आपका हाथ होता और उस पर हम लोग एसिड डालते तो क्या आपका हाथ लाल नहीं हो गया होता, बिल्कुल लाल हो गया होता। तो भैया अगर हाथ लाल हो जाएगा तो लिटमस पेपर कैसे नहीं होगा, तो याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा। तो अगर हाथ हो चाहे लिटमस पेपर हो, लाल तो होना ही होना, अगर एसिड डाल दिए तो ब्लू से रेड हो जाएगा, ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। चलो भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मैथ का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कहता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आया था, कंप्लीट डाटा तो नहीं पता, खाली बच्चे ने कहा था कि सर रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया था 2×4 करके क्या आ गया, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया ताकि आपको इसे प्रैक्टिस करा सको। किसी धनराशि को एबीसी में डिवाइड किया गया है, ए का जो भाग है वो बी से 2 गुना है और बी का जो भाग है वो सी से 2 गुना, तो आपसे रेशियो पूछा गया था। तो इस तरीके क्वेश्चन को हमेशा पीछे से लगाया करो, बी का जो भाग है सी से 4 गुना है, तो अगर सी 1 होगा तो बी का उसका 4 गुना हो गया, एंड जो बी का भाग है वो सी से, वो ए से क्या है, ए से डबल है, तो बी का जो भाग है वो कहा ए का भाग बी से डबल है यानी ए वाला जो है वो डबल है, तो 8, 4 और 1 का अनुपात आपका हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को लगा लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो आप वीडियो के नीचे जो क्वेश्चन कमेंट है आपका, अगर आपका पेपर है तो नीचे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप, आप वहां से भी जुड़ सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। जैसे कि एक अशोक हुड्डा करके बच्चे ने सेकंड स्टेप के नीचे कमेंट किया था कि कौन कौन से क्वेश्चन सेकंड स्टेप में और थे जो बचे रह गए थे, तो वो भी अभी हम लोग ले लेंगे क्वेश्चन। उसमें ही उसने कहा था भैया 2019 का आईसीसी का चेयरमैन पूछा गया था, तो यहाँ पर सही होगा शशांक मनोहर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ये, बार बार पूछा जा रहा है। इन विच ईयर पॉल्यूशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, पॉल्यूशन एक्ट कब आया था, तो 1974, बिल्कुल सही हो जाएगा। और राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल है वो कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूरी पूछे जा रहे हैं। क्या होगा इसका सही आंसर, आपका होगा 14 से लेकर 18 तक। पीलिया जो होता है, जो ज्वाइंटिस होता है, वो शरीर के किस पार्ट को प्रभावित करता है, तो लीवर, बिल्कुल सही होगा। जो पीलिया है यानी जो ज्वाइंटिस है वो शरीर के लीवर वाले पार्ट को ज्यादा प्रभावित करता है। एक क्वेश्चन देखो आज उन्होंने फिर कहा कि सर आज फिर पिंक सिटी के बारे में पूछा गया, तो जयपुर बिल्कुल सही होगा। अगर ये पूछा गया होगा तो ये दोबारा क्वेश्चन आया है, जयपुर बिल्कुल सही आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप जाके उनके कमेंट जो है 25 तारीख के जो सेकंड शिफ्ट का मैंने असेस किया, वो आज का जो सेकंड शिफ्ट है वहां पर जाके आप उनका देख सकते हो। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे वो बता रहे थे कि सर क्वेश्चन आया था और लिग्नाइट प्रोड्यूसिंग स्टेट, अभी आपको मैं आपको वो कराता हूँ। सोलर एनर्जी जो है सन से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन उन्होंने कहा कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो वो भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछे जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि होती है, यानी बेचने पे हानि होती है, तो इसको उल्टा करके आप लोग लिखोगे और इस पूरे पुसे चाहिए 20% का लाभ, तो इसको वैसे करके लिखोगे, 100 से 100 काटोगे, ये 6 हो जाएगा, 12×6 = 72 यानी कितना हो जाएगा, 720 रुपये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी करेंगे ताकि हमारा आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्यूपिल जो होता है वो हमारे शरीर के किस पार्ट से रिलेट करता है, तो आंखों में होता है प्यूपिल, आप सभी को पता है। एलिफेंटा केप, कुछ बच्चे बताया था कि सर एलिफेंटा भी आया था और भी कई सारे केप्स के बारे में क्वेश्चन आया था, तो ये बिल्कुल आपका सही होगा, महाराष्ट्र। और यहाँ पे देखो
कहीं कहीं प्यूपिल पूछा गया था, कहीं कहीं आयरिस पूछा गया था, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें देख लेना कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पूछा गया था, प्रेशर कैसाइनमेंट आपको मैंने यहाँ पे करा दिया, बच्चे ने ये भी भेजा है, तो पास्कल होता है प्रेशर कैसाइनमेंट। और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है यूएनओ में जाने वाली, ठीक है, यूएनओ की पहली इंडियन जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो विजय। पहला ही क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल का है, ये क्वेश्चन सेकंड वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था, खाली डाटा चेंज हुआ था, और फर्स्ट वाले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया था कि 2 सेंटीमीटर है, तो आपसे कहा भैया ये बताओ फोकल लेंथ कितना होगा। इसका सेम सिंपल सा फॉर्मूला आर इज इक्वल टू 2f, ये फॉर्मूला है। रेडियस आपको दिया था 2 बराबर 2 × f रखोगे आप, 2 से 2 कट जाएगा, जो आपका फोकल लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आज ये ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि आज ये पहले सेम में भी क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड वाले में पूछा गया, तो ये चांसेस ज्यादा या थर्ड वाले में भी क्वेश्चन इसे जरूर पूछा जाएगा। इसीलिए इस फॉर्मूले को देख लो, अच्छे से याद कर लो कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो हम अच्छे से इसको कर सकते हैं सॉल्व। अगला क्वेश्चन आया था कि ऑप्टिकल लेंस जो होता है वो किस चीज़ में यूज नहीं होता है, 4-5 ऑप्शन दिए थे बच्चों के, तो बच्चे ने बताया, मैंने फिलहाल तो इसको देखा तो ये स्टेटोस्कोप बिल्कुल सही होगा कि ऑप्टिकल लेंस जो होता है वो स्टेटोस्कोप में यूज नहीं होता है। एक क्वेश्चन एडोप्टोफ के फ्रिक्शन से पूछा गया था कि डिजाइन जो होता है टायर में, आप देखने हो आपने देखा होगा जो टायर्स बने होते हैं उसमें ऐसे कट कट करके आप डिजाइन होता है, या फिर आप मैंने बहुत सारे उसमें डिजाइन होते हैं, तो वो डिजाइन क्यों बने होते हैं। फ्रिक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ फ्रिक्शन चैप्टर, तो आपको पता अगर डिजाइन जितना होगा तो वो फ्रिक्शन उसकी कम होती जाएगी और वो स्लिप वगैरह नहीं करेगा, आराम से स्पीड पे चलेगा, सारी चीज़ें हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते भाई, माइकल फिलिप्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि माइकल फिलिप्स जो होते हैं वो किस देश से संबंधित है माइकल फिलिप्स, तो ये संबंधित है यूएसए से। नाम इनका बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज शायद इनके कुछ प्रॉब्लम भी है, तो ये माइकल फिलिप्स बिल्कुल सही आंसर होगा, ये यूएसए से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको देखो जितने भी गेम्स उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे रहे हैं, तो उसको भी आप लोग अच्छे से कवर करो ताकि आप वहाँ पर चीज़ें कर पाओ। इसके अलावा मैं आपको अभी और सारी चीज़ें बताता हूँ, विटामिन से एक क्वेश्चन आ ही रहा है, पहले शिफ्ट में पूछा गया था विटामिन ए, और जो थर्ड वाला शिफ्ट है उसमें मैं आपको बता दूँ उसमें पूछा गया था, जो सेकंड वाला था अभी मैं जिसका एनालिसिस कर रहा हूं उसमें विटामिन सी पूछा गया था। तो पहले से अगर विटामिन ए पूछा गया तो ये किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कैरेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे जो आपका फेस का क्वेश्चन है, कहा था अगर फोकल लेंथ आपको दिया था 10 सेंटीमीटर है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस आपसे कहा था u = 6 सेंटीमीटर है, तो इमेज से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सिंपल आपको फॉर्मूला ये वाला लगा देना था, क्वेश्चन यहाँ से रख के तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो, बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था और इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते थे बिना किसी प्रॉब्लम का, बिना किसी परेशानी का। नेक्स्ट बात कर लेते भाई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से एक क्वेश्चन आया हुआ था, कल भी ये क्वेश्चन आया था सेकंड वाले शिफ्ट में, आज भी ये क्वेश्चन सेकंड वाले शिफ्ट में आया हुआ है, तो सेकंड वाले शिफ्ट वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। कुछ बच्चे मुझे तो देखो कुछ आइडिया है नहीं कि कैसा क्वेश्चन आता, खाली बच्चे ने कहा कि सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आया था, उसको खुद ही नहीं आता तो क्या क्वेश्चन आ रहा, मुझे ऐसा लगा कि आपको इक्वेशन दे रहा होगा, कह रहा होगा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है, तो आपको ये बताना था। फिगर काउंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर उभर के आ रहा है, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं, तो फिगर काउंटिंग हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ऐड कर पाएंगे तो जरूर ऐड कर देंगे, ठीक है। और मैं आपसे लगातार पूछ भी रहा हूँ कि आपको किस किस टॉपिक्स पे क्वेश्चन चाहिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे लगातार कमेंट भी कर रहे हो आप लोग, उसी को लेकर हम लोग डेली जो है 8 बजे डेली सुबह 7 बजे, 8 को नहीं हम उसको 7 कर लेते हैं, डेली सुबह 7 बजे आपके लिए हर टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे, नोटिफिकेशन नहीं भी आएगा तो जरूर देखेगा। भारत रत्न के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन पहले शिफ्ट में आया था कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, तो कुल मिला के 18 ग्रुप हैं और जो लास्ट वाला ग्रुप है वो कौन सा है, वो आपका नोबल गैस वाला ग्रुप है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सोनार के बारे में क्वेश्चन आया था कि सोनार क्या करता है, तो सोनार पता लगाता है, डिस्टेंस पता लगाता है कि सामने कोई चीज़ है कि नहीं है, कितने डिस्टेंस पे है, कितने ऊंचाई से हम समुद्र में अंदर ऊपर हैं, वो सारी चीज़ें सोनार लगाता है। फुल फॉर्म अगले वाले कुछ शिफ्ट में पूछा जा सकता है इसका, तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग इसका फुल फॉर्म हो गया, रेंजिंग। एक क्वेश्चन आया था कि रामनाथ कोविंद जी को अवार्ड दिया गया था, तो वो अवार्ड कहाँ का दिया गया था, कहाँ पे उन्हें अवार्ड दिया गया था, क्रोएशिया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविच के बारे में पूछा गया था किस देश से संबंधित है, तो सर्बिया देश से संबंधित है, आसान से क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये पहले वाले शिफ्ट के कुछ और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि फर्स्ट इंडियन पर्सन कौन था जिसने स्पेस में जो गया हुआ था, तो कौन था, ये राकेश शर्मा था, आसान से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है और जरूर पूछा जाएगा परीक्षाओं में। 2019 में पद्मश्री कितने लोगों को मिला था, तो 93 है कि 94 है, बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर नहीं ये 93 नहीं ये 94 है, तो ऐसे जो भी कमेंट करें मैं उसको देख लूंगा, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर कुछ और होने वाला है, तो 93 ही मुझे लग रहा है फिलहाल, तो 94 होगा तो आप 94 का दो, लेकिन पद्मश्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था। राज्यपाल की कहो आपके कार्यकाल के बारे में पूछा गया था, उनके टेन्योर के बारे में पूछा गया था, तो अगर हम चाहे राज्यपाल की बात करेंगे या फिर मुख्यमंत्री की बात करेंगे, तो दोनों लोग का टेन्योर जो था वो 5 सालों के लिए होता है।
औरंगजेब को किस और नाम से जाना जाता था, तो आपको ऑप्शन दिया था उसमें आलमगीर बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। चंडीगढ़ के बारे में बात किया था, चंडीगढ़ किस किस राज्य की राजधानी, तो दो राज्य आपको एक साथ दिए हुए थे, हरियाणा और पंजाब, इन दोनों की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ ही है। आसान सा क्वेश्चन था, सीएम से रिलेटेड, देखो बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात को समझना कि सीएम से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने आप सभी के लिए कल सुबह 7 बजे, पहले जो टाइमिंग थी आपकी 10 बजे, लेकिन ये कल सुबह 7 बजे वीडियो आप सभी के लिए आएगी, वीडियो लाइव चलेगी आप सभी के लिए। अभी आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी, वहां पर आप जाओगे जब चैनल में सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वीडियो दिखाई देने लग जाएगी। इतनी बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया जितने भी राज्य हैं, 29 राज्य की राजधानी क्या है, उनके राज्यपाल क्या है और उनके मुख्यमंत्री, बिल्कुल फ्री में मैंने आपके सभी के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। पीडीएफ भी आपको नीचे लिंक से मिल जाएगा, लेकिन जब वीडियो अपलोड जाएगी उसके बाद पीडीएफ आपको मिलेगा, तो पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा, वरना आप टेलीग्राम पर भी जाकर पीडीएफ देख सकते हो। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, कल सुबह 7 बजे का है, जाके आप लोग वहां से सब लोग वहां पर अपने लिए रजिस्टर कर लो, बिल्कुल फ्री में, खाली उस पे जाके याद रखना कि कल सुबह 7 बजे आप लोग आके इस वीडियो को देख लेना, लाइव चलेगी, जरूर देखना, सुबह सुबह का टाइम है तो आपको याद हो जाएगा। और डेली सुबह 7 बजे जो है हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे वीडियोस। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर पेपर कल है, तो कल पेपर है तो बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया सर मैं बताऊंगा क्वेश्चन, मैं बताऊंगा, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। मुझे एक्चुअली क्या लगा था ना कि कल संडे तो कल शायद पेपर ना होगा, लेकिन कल पेपर है तो वो भी मैं करूंगा, पेपर का एनालिसिस भी कल करूंगा। और डेली सुबह 7 बजे इसी तरीके से स्ट्रेटजी के क्वेश्चन आप सभी के लिए पढ़ते रहेंगे, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो कल सुबह 7 बजे मिलिए और बात करेंगे बहुत शानदार। एक क्वेश्चन आया था कि यार आगरा जो है वो किस नदी किनारे स्थित है, यमुना नदी किनारे स्थित है, आसान सा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आर्टिकल 336 पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था, दूसरे वाले में आर्टिकल के साथ क्या क्वेश्चन है अभी मुझे वो कंप्लीट नहीं पता चला, जैसे ही पता चलेगा मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा, लेकिन पहले वाले शिफ्ट में आर्टिकल से क्वेश्चन एक पूछा गया था, तो क्या क्वेश्चन था, 336 जो आर्टिकल है ये एंग्लो इंडियन से रिलेट करता है, जब वार वगैरह हुआ था तो उस समय का ये मामला है, 336 उसी से रिलेट करता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में आपसे पूछा गया कितनी धनराशि मिलती, तो 75 जाए, तो बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये बिगेस्ट स्पोर्ट अवार्ड है, साथ ही साथ इसमें जो इसको जो अवार्ड दिया जाता है उसको कुल मिला के 7.5 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान के बारे में क्वेश्चन आया था, सेंट्रल लेमन क्लास फ्रूट के बारे में क्वेश्चन आया था, रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका नागपुर में स्थित हो जाएगा, बिल्कुल आसान से, ये भी क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन देखिए, समाज की स्थापना है, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, ये सारे के सारे क्वेश्चन जरूर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आर्य समाज की बात करेंगे तो ये कहाँ पर, किसने इसका स्थापना किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया, तो कौन है मणिपुर के मुख्यमंत्री, एन बीरेन सिंह है। बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत के सीईओ के बारे में पूछा गया था, सीईओ से रिलेटेड हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है, वो आप लोग देख लीजिएगा, वो जल्दी कल लाइव हो जाएगी, कल शायद पेपर नहीं है, मैं बच्चों से बात कर लेता हूं, अगर पेपर कल नहीं होगा तो हम लोग यही काम करेंगे, यानी जितने भी सीईओ हैं, हेडक्वार्टर जितने हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डैम है, राजधानी राज्य, वो सभी वीडियो हम लोग कल बना देंगे और कल आपको सारी की सारी वीडियोज देखने को मिल जाएंगी। एक क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी का एक ऐसा तत्व बताइए जो धातु और अधातु दोनों का ही काम करता है, तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो आवर्त सारणी में जो धातु का भी काम करता है और अधातु का भी काम करता है, तो हाइड्रोजन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। देखो सीमा वाले क्वेश्चन जरूर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जैसे आज क्वेश्चन पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है, किन किन देशों से लगती है, तो इसका सही आंसर होगा चीन से, म्यांमार से और भूटान से, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में आज क्वेश्चन पूछा गया और आपको बाकी और भी सारी चीज़ें याद रखनी है, उससे आपको चीज़ें हो जाएंगी याद। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, एसिटिक एसिड का आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया था, जैसे धावन सोडा का फॉर्मूला पूछा गया था, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पूछा गया था, इसी तरीके से आज एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया था, जो भी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, जो भी केमिकल आपके हैं उनके जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट भी, उसकी वीडियो हम लोग जल्दी से बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे कि आपको किस किस तरीके के और भी वीडियोज चाहिए, ताकि हम लोग उस पर वीडियोज पर काम करते रहे, ताकि जैसे हम लोगों ने आपसे वीडियो पूछा तो बच्चों को यही कहना था कि सर राज्यपाल गवर्नर वाला बना दीजिए, वो याद नहीं हो रहा है, तो मैंने बना दिया उसका। CH3COOH एसिटिक एसिड का सही आंसर हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन था, ये भी सिंपल क्वेश्चन आया था कि अगर ताप बढ़ा दोगे आप तो ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा, अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि है जो साउंड है उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में क्वेश्चन लगातार रेलवे में पूछा जाता है और आज भी इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया था कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अकबरनामा के बारे में पूछा गया था, किताबों के बारे में पहले ही आपको पता है कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और किताबों के बारे में भी कल हम लोग वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अकबरनामा के बारे में पूछा गया, तो ये किसने लिखा हुआ, अबुल फजल ने लिखा हुआ, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन था। विटामिन के बारे में हर एक से अपने क्वेश्चन पूछे जा रहे, विटामिन B6 का आपसे नाम पूछा गया था, तो पायरीडॉक्सिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा नया क्वेश्चन था कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको पता है कि उसके नाम दर्ज होता है जिन्होंने कोई ना कोई वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया हुआ है और सबसे तेजी से या सबसे पहले उन्होंने काम किया हुआ है, तो ये शुरू हुआ था 1954 में, 1954 से चीजें शुरू हुई हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं क्लॉटिंग के बारे में। आज क्वेश्चन पूछा गया था, कल सुबह भी ये शिफ्ट पे पूछा गया था क्लॉटिंग के बारे में कि यार क्लॉटिंग जो होता है वो कैसे बनता है, तो विटामिन के की वजह से बनता है। और आज भी पहले दिन में यही क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि पृथ्वी के नजदीक सबसे ग्रह कौन था, ऐसा कौन सा ग्रह जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है। मानव शरीर में कुल मिलाकर कितने गुणसूत्र, आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम लोग बात करें कि यार हमारे शरीर में कुल मिलाकर कितने गुणसूत्र हैं, तो कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में रक्त कौन फिल्टर करता है, तो किडनी फिल्टर करता है रक्त को। रीजनिंग की बात कर लेते भाइयों, तो रीजनिंग में आपको पता है कि लगातार हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन करके रीजनिंग में कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और लगभग सारे के सारे टॉपिक्स को वो कवर कर रहा है, तो आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना है। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के मेरे पास पड़े हुए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो, उन्होंने ई को 5 लिखा है, एच को 8 लिखा है, ओ को 15 लिखा, P को 18 लिखा, तो पूछा आपसे ऑड यहां पे क्या होगा। तो आपको पता है E का नंबरिंग 5 है, H का नंबर भी 8 है, O का नंबर भी 15 है, लेकिन P का नंबर क्या है, 16 है। तो यहां पे ऑड आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो D है वो ऑड हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं। आपसे पूछा गया था एक्स से टी का मिरर इमेज पूछा गया था, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। यहां पे मानो मिरर रखोगे और ये मिरर इमेज आप आराम से बना लोगे। एक क्वेश्चन आता कि 4, 9, 16, 25, 36, इसके बाद अगला नंबर क्या होगा। तो ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ पे आपका 49 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आता कि राम IJN इसको लिखा जाए तो सीता को क्या लिखा जाएगा। तो कुछ भी नहीं कर रहा है, खाली नंबरिंग का यहाँ पे खेल बदल रहे हैं, और इसने राम को लिखा IJN, तो सीता को ये लिखेंगे HRGZ। तो मैथ के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि मैथ कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो उभर के आ रहा है मेंस्ट्रुएशन और SICI। मेंस्ट्रुएशन और SICI से लगातार आपके पास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी के लिए भी मैंने आप सभी के लिए कल फ्री क्लासेस करी है, लेकिन इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वो फ्री क्लास अनअकैडमी पे है, आपको अभी कुछ ही देर बाद शाम को 6 बजे व्यवहार इस वीडियो को और आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको नीचे जो है SICI के लिए जो आपको रजिस्टर का वो है लिंक नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ मेंसुरेशन का जो हम लोग टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, उस पर भी रजिस्टर का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो वो 1 घंटे की कल क्लास होगी, टाइमिंग भी आपको वहीं से देखने को मिल जाएगा, जाके बिल्कुल फ्री होगी, रजिस्टर कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं जो SI के बारे में पूछा गया। एक क्वेश्चन आता कि अगर आपके पास प्रिंसिपल धनराशि जो है, जो मूलधन है, वो 3600 रुपए की है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% का है, समय जो है 2 सालों का है, तो आपसे पूछा था SI बताओ। SI का मैंने हमेशा कहा कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से लगा दो, तो फॉर्मूले से ही SI क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल आपके पास 3600 रुपए है, टाइम आपके पास 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 3% है, डिवाइड कर दो 100 से, तुरंत आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3 × 6, 36 × 6 आपका कर लो आंसर आ जाएगा 216। कुछ भी नहीं करना होता SICI के क्वेश्चन में, बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि SGF आपसे पूछा गया था 48 का, 16 का, 32 का, 160 का, तो 16 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर में से जाके आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन थे सेकंड वाले शिफ्ट से मिला के, पहले वाले शिफ्ट से मिला के। इसके बाद थर्ड का एक वीडियो पड़ेगा जिसमें सेकंड फर्स्ट दोनों के ही वीडियो हम लोग मिला के बात करेंगे, वो भी आपकी वीडियो पड़ जाएगी रात में 8-9 बजे तक, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच। जिन बच्चों के पेपर हो रहे हैं नीचे लिखे नंबरों पर पेपर जरूर सेंड करें, थैंक यू सो मच। रेलवे एग्जाम्स में अर्थमेट्रिक और एडवांस मैथ्स 40 से 50% पोर्शंस को कवर करते हैं, और इसमें एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपके बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने खुद SSC CL के मैथ सेक्शन में 50 out of 50 मार्क्स स्कोर किया है। मेरे कोर्सेज में आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे, जिससे आप मैथ के हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर पाओगे। मैं हूँ सत्यम गुप्ता, और मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूँ।